हेलो एवरी ऑन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जारी किया है 10th, 12th एंड जो भी आप 8, 7 किसी भी क्लास में हो आप, ठीक है, तो सभी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस जो है आपको आया था। तो ये वीडियो को आप अगर एज अ स्टूडेंट्स देख रहे हो या पेरेंट्स देख रहे हैं तो सभी के लिए है। आप अगर एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने चाइल्ड्स को बता सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, 10th और 12th का जो एग्ज़ाम्स होने वाला था वो ऑल ओवर द कंट्री क्या हुआ, आपका कैंसिल हो गया और कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। बेसिकली 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इंटरनल के बेसिस पर मार्क्स दिया जाएंगे इसे बोला गया था। और 12th का एग्ज़ाम्स क्या होगा, पोस्टपोन कर दिया गया है, जो आपका अप्रैल और मई में स्टार्ट होने वाला था। अभी मैं न्यूज़ क्या बताने वाला हूँ आपको, न्यूज़ यही है कि आपका टेंथ और 12th के अलावा सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं आप लोग, तो सभी का ऑनलाइन क्लास अभी सस्पेंड है मई 1 से 30 मई तक, ऐसा कुछ नोटिस आया था। आप इसको देख सकते हैं 31 मई तक, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 31 मई तक आपका ऑनलाइन संचालित नहीं होगी। 10वीं और 12वीं को छोड़कर जिनकी भी परीक्षाएं होनी है वो सब अभी नहीं होने वाला, तो इसको आप इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। और ये बताना था कि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आपका एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स होने वाला था 30 अप्रैल से होने वाला था, 1 मई तक चलने वाला था, तो ऐसा कुछ था। और इससे पहले कि पहले आपका अप्रैल महीने में जो 15 तारीख को बता दिया था कि आपका समर वैकेशन है, जून महीने तक 13 तारीख तक चलेगा, राइट। तो यही था सिचुएशंस। अभी कोविड ने काफ़ी गंदा सिचुएशंस है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।